बच्चों एक आईपी मैट का क्वेश्चन भी कर रहे हैं और है अच्छा ये, मतलब एकदम से कई बच्चों से हुआ नहीं, कईयों से हो गया, तो देखिए इसको क्या मैं पाई बाय टू, इसको ऐसे का ऐसे लिखा रहने देते हैं, ठीक है, इसको नहीं छेड़ते हम, इसको क्या लिख लेते हैं बेटा, इसको मैं कॉस स्क्वायर पाई बाय एट ही लिखा रहने देता हूं, इसको कॉस स्क्वायर 90 पाई बाय टू माइनस पाई बाय एट लिख दू तो कोई परेशानी है? देखो करके देखना, अगर मैं पाई बाय टू माइनस पाई बाय एट लिखूंगा, एट एलसीएम आएगा, तो 2 4 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 8 ही तो होगा। अब बताओ बच्चों, कॉस स्क्वायर पाई बाय टू माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है? 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो जो कॉस स्क्वायर पाई बाय टू माइनस पाई बाय 8 लिखा, बच्चों अलग से करके देख लो, पाई बाय टू माइनस पाई बाय 8, 8 एलसीएम आया, 4 पाई माइनस पाई ये 3 पाई बाय 8 ही तो होता है, तो 3 पाई बाय 8 को पाई बाय टू माइनस पाई बाय 8 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता बताओ। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? पाई बाय टू 90 ना, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 8 हो गया ये तो। जहां पे आपको 10th क्लास की एक आइडेंटिटी दिख गई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ये वाला पार्ट तो हमने 1 प्रूव कर दिया, ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट क्या प्रूव कर दिया? 1। अब परीक्षा की घड़ी इसकी, इसको कॉस स्क्वायर पाई बाय टू प्लस पाई बाय 8 लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, पाई बाय टू प्लस पाई बाय 8 जल्दी देखो भाई, 8 एलसीएम आएगा, 4 पाई प्लस 5, 5 पाई बाय 8 ही तो हुआ, और इसको कॉस स्क्वायर पाई माइनस पाई बाय 8, देखो बच्चों क्या मैं इसको पाई माइनस पाई बाय 8 लिख सकता हूं? देखो 7 पाई बाय 8 ही होगा। अब यहां पे थोड़े से क्वाड्रेंट सिस्टम ध्यान रखने हैं। हाँ जी हर्षित, तो क्वाड्रेंट सिस्टम ध्यान रखें, पाई बाय टू प्लस सम एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट? पाई बाय टू पे चेंज होता है, कॉस किस में चेंज होगा? साइन में, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस खुद क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस खुद क्या होता है? नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव रहेगा, स्क्वायर होने की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों? तो 90 प्लस थीटा साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर पाई बाय 8, कितने बच्चों को बात समझ आई? अब कॉस स्क्वायर 180 माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस पे चेंज होता है या नहीं होता? नहीं होता, कॉस कॉस ही रहता है, और 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। हाँ सेकंड में कॉस क्या होता है बच्चों? नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से कॉस स्क्वायर फिर से वही बन गया, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, फिर से हमें एक 1 मिल गया, 1 + 1 क्या हो गया बच्चों? 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 है, समझ आ गया? बोलो अच्छे से, ये होना चाहिए था काफी बच्चों।